पर वशिष्ठ विश्राम के द्वारा समझा रहे हैं कि वह ज्ञान जो गुरु शिष्य के पास कुछ न ले ज्ञान लेकर वह गुरु है, और जो शिष्य अपना सब कुछ समर्पण गुरु को न कर ले वो शिष्य है। शिष्य समर्पित करे गुरु ना ले, और गुरु दे दे और शिष्य से प्रदान न करे, ये गुरु शिष्य का संबंध। इस शिष्य के संबंध को किस तरह देखा जाए, एक छोटा सा उदाहरण मैं कभी भी देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरु के गुरुकुल में पढ़े और सारी विद्याएं सीखने के बाद वो जाने की बात करने लगे, मैं गुरु जी सारी विद्याएं हो गई, अब तुम जा सकते हो कृष्ण, मेरा भाग्य है कि तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे प्राप्त हुआ, इससे बढ़कर मुझे क्या। कृष्ण आड़े रहे खड़े रहे, वैसा ही कहा। गुरु ने कहा क्या चाहते हो? बोले मैंने आपसे विद्या ले लिया, आपसे ज्ञान ले लिया है, मैं चाहता हूँ कि आपको तृप्त धनी गुरु दक्षिणा प्रदान करो, ऐसे कि मेरी दक्षिणा से आप तृप्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ, यही शिष्य का कर्तव्य होता है, और मैं ऐसी दक्षिणा आपको देना चाहता हूँ। बार बार गुरु कहते थे कि तूने मेरे पास पढ़ा, यही श्रेष्ठता है, मैं इसीलिए ही तृप्त हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मुझे मेरे दिल से कुछ नहीं चाहिए, मैं तू मेरे पास पढ़ने के कारण मैं तृप्त हो गया, मेरे दिल से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण आड़े हुए थे कि मैं जब तक तुम्हें दक्षिणा नहीं देता तब तक मेरी विद्या पूर्ण नहीं होगी, मेरे विद्या का फल मुझे नहीं मिलेगा, मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। आखिरकार कृष्ण ने उनके गुरु ने कहा, देख भाई मुझे तो तेरे से कुछ नहीं चाहिए। अब पति को अर्धांगिनी कहा गया, तो अर्धांगिनी मेरी पत्नी है जो गुरु में आधी है, इसलिए आधा भाग को ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आधी पत्नी है तो जाकर उसको पूछ कि उसे क्या चाहिए। वो गई, कृष्ण गए और माता के चरणों में नमस्कार किया, बोले क्या कृष्ण किस लिए आए? माँ एक समस्या खड़ी हुई, मैं गुरु के पास गया हूँ, इतनी विद्या सब सीखा हूँ, उनके पास सब सीखा हूँ, लेकिन मैं उनको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि तू मेरे पास पढ़ना ही मेरे लिए दीक्षा है, तूने अच्छी तरह विद्या प्राप्त की, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं बिना गुरु दक्षिणा के एक विद्या को लेकर मैं नहीं जाऊँगा, ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु दक्षिणा प्रदान करें। तो माँ ये बता कि मैं गुरु दक्षिणा क्या दूँ, गुरु ने तेरे पास भेजा है कि गुरु दक्षिणा मैं प्रदान करूँ, जो दीक्षा करे दक्षिणा बोलेगी तो दक्षिणा दूंगा, तभी मैं इस विद्या को लेकर बाहर जाऊंगा, नहीं तो मैं विद्या को लेकर बाहर नहीं जाऊंगा। अब माता भी असमंजस में पड़ गई, गुरु ने कहा है कि कुछ नहीं लेना है तो मैं क्या करूं, लेकिन उसके जीवन में देख कृष्ण मैं आज तक मैं भी कुछ नहीं चाहती क्योंकि मेरे पति समर्थवान है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन एक बार हर बार खटकती है ये कि मेरा 8 साल का पुत्र था जो समुद्र स्नान के लिए गया और वो उधर ही मर गया, मैं चाहती कि मैं कभी बूढ़ी हो गई, मैं जन्म तो नहीं दे सकती, मेरा मुझे पुत्र प्राप्त, मेरा मुझे पुत्र लौटा दे, अगर लेटा दे तो इतने गुरु दक्षिणा दी। अब कृष्ण बहुत आश्चर्य मर गए किस तरह करें, लेकिन उन्हें ना नहीं कहा कि गुरु दक्षिणा, उन्होंने जो पूछी उस गुरु दक्षिणा के ना नहीं कहा और कहा माँ मैं उस गुरु दक्षिणा को लेकर लौटूंगा तो ही मैं विद्यावान या सफल व्यक्ति तो कह जाऊंगा, सफल शिष्य कहलाऊंगा, आपकी विद्या को मैं ले सकता हूँ, नहीं तो दक्षिणा नहीं दिया तो मैं सफल शिष्य नहीं कहलाता, मैं प्रयत्न करता हूँ। आए गुरु चरणों में नमस्कार किया और गुरु जी से पूछा कि क्या कहा माता जी, कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि गुरु जी कुछ ना कुछ कहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा के लिए जा रहा हूँ, दक्षिणा लाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कृष्ण ने कहा। कृष्ण आए बाहर और उनको पता चला कि जिस समुद्र के पास उनका बेटा गया था उस समुद्र के सामने आए और प्रार्थना करने लगे कि हे धर्मराज के समुद्र देवता, मेरे गुरु के पुत्र को तुमने उसके प्राण हर लिए हैं, मैं उस गुरु पुत्र के प्राण को चाहता हूँ, समुद्र को उस गुरु पुत्र के प्राणों को दे दे, नहीं तो मैं 1 मिनट में अपनी बाण छोड़ूंगा, तू मुझे उसको तो दे। समुद्र ने कहा मैं नहीं, इसमें शंखचूड़ नाम का राक्षस है, उसने गुरु के पुत्र को ग्रहण किया है, वो अपने पास लेकर बैठा है। कृष्ण उसी समय समुद्र में कूद गए और उस राक्षस को पकड़कर उसके साथ युद्ध हुआ और शंख में उस गुरु पुत्र के प्राणों को रखा था। कृष्ण वो शंखचूड़ जब हार गया उसने कहा यह है तुम्हारे गुरु पुत्र के प्राण में दे रहा हूं। कृष्ण उन प्राणों को लेकर बाहर आए और उन्होंने एक मट्टी से गुरु के बेटे का मूर्ति का आकार बनाया और उस आत्मा को उसमें डाल देकर प्राण प्रतिष्ठा की, गुरु पुत्र जिंदा हो गए। उस पुत्र को लेकर जैसे ही कृष्ण गुरुकुल आए और उनके पुत्र को लेकर माता के पास ले गए और कहा माँ ये तुम्हारा पुत्र है, माता के आंखों में आंसू चल आए, बोले ऐसा शिष्य आज तक संसार में नहीं देखा, कृष्ण जब तक सूर्य और चांद रहेगा ऐसे शिष्य का नाम रहेगा, तुमने ऐसी गुरु दक्षिणा प्रदान की आज तक जिस गुरु दक्षिणा को कोई नहीं प्रदान कर सका, मैं तू ज्ञानी होगा तेरे पास विद्या ही होगी तो ऐसी गुरु दक्षिणा दे, गुरु को इतना तृप्त किया है कि ऐसी किसी ने नहीं दी, मैं आज आशीर्वाद देती हूँ और
शादी की मांग की पत्नी जो गुरु माता थी उसने और गुरु ने जब दिया, गुरु ने भी देखा कि अपना पुत्र लौट कर आया है, उनको भी आनंद का ठिकाना नहीं रहा और वो भी पूर्ण रूप से गुरु कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे। तब सब काम किया और कृष्ण जाने की बात कह रहे थे, जाते जाते गुरु के चरणों में झुककर कहा, प्रभु आप अगर कुछ नहीं कहते तो एक बात पूछना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, पूछ बेटा क्या चाहिए। प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, बेटा आत्मा बन गया था, बेटा आपका स्कूल में चले गया, चाहे तो आप उसको बचा कर ला सकते थे, यह कार्य मेरे हाथ से क्यों करवाया, मैं तो तुम्हारे बेटे को लाया। गुरु हस्तक कहने लगे, हे कृष्ण तूने जैसे गुरु की सेवा की, तूने जैसे गुरु का ज्ञान प्राप्त किया है और तूने जैसे गुरु कृपा प्राप्त किए है, वैसे कृपा मैं गुरु की प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए मैं असमर्थ मेरे बेटे को लाने के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्या गुरु के पास लेनी है, गुरु कुछ नहीं चाहते हैं और शिष्य गुरु की दक्षिणा देना चाहिए। ये जो दोनों समुद्र कृष्ण को कृष्ण मंदिर जगत गुरु का गया और गीता उपदेश करने के लिए वो महान व्यक्तित्व कह रहे हैं। हम क्या ऐसे शिष्य बन सकते हैं, क्या ऐसे गुरु को प्राप्त कर सकते हैं जो गुरु मुझे कुछ नहीं चाहिए कहने वाला। और ये घटना ये बताती है कि गुरु कुछ नहीं चाहिए कहने वाला होना चाहिए और शिष्य अपना सब कुछ देने वाला चाहिए। यह जब गुरु शिष्य का संबंध होगा फिर भारत वही भारत कहलाएगा जो सनातन धर्म का भारत एक समय विजयी था, उसके ऊपर कोई किसी का आक्रमण नहीं था, इसके पास वो विद्या है, तंत्र विद्या है, वो सब साधनाएं थी। आज हमारे पास वो साधनाएं नहीं है, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं क्या वो मार्ग सही है, क्या उस मार्ग में हम चल सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। गुरु जी ने क्यों सिद्धाश्रम साधु परिवार की स्थापना की और गौरव क्यों कहा था कि तुम्हें सिद्धाश्रम पहुंचना है। आज हम गुरु के पास जाते हैं तो समस्याओं को लेकर जाते हैं, गुरु मेरे पास पैसा नहीं है, खर्चा हो गया, मेरे बच्चे का शादी नहीं हो रहा, सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि गुरु जी मैं दस बार क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं सिद्धाश्रम जाना चाहता हूँ। कितने लोग हैं हमारे इसमें ये बात नहीं, हर आदमी अपनी समस्या लेकर आता है, केवल यही कहते हुए कि मेरे को ये समस्या है, मेरा पुत्र ठीक नहीं है, मेरे का मेरी तबियत ठीक नहीं है, और ये कब तक चलेगा। गुरु जी का उपदेश क्या था, गुरु जी का उपदेश था वो सिद्धाश्रम जो विज्ञान को भी चैलेंज देता है, विज्ञान भी उसके सामने बोला खड़ा होता है, ऐसा सिद्धाश्रम जो है पहुँचना है, सच्चा आनंद प्राप्त करना है। हम वहाँ तक तो जाने की बात दूर, हम केवल आज तक रहे हैं तो यहाँ अटक रह गए कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पति सुख नहीं देता, घर में झगड़े होते हैं, खेती बेची जानी चाहिए, खेती विधान होना चाहिए, यहाँ तक हम अटक गए। ये तो कर्म के प्रति तुम कर्म करो तो तुम इसे प्राप्त कर सकते, लेकिन हम ये नहीं छोड़ेंगे, गुरु से यही मांगे, गुरु से ज्ञान नहीं मांगे। और गुरु का ज्ञान मांगने के लिए अगर गुरु ज्ञान देने के लिए पैसा पूछता है तो गुरु मेरे दृष्टि में गुरु नहीं, गुरु ज्ञान अपने मन से दे, गुरु ज्ञान शिष्य को ऐसी तृप्ति दे कि वो तृप्त होकर शिष्य कहे कि मेरा सर्वस्व तुम्हारा है, शिष्य तृप्त हो जाए, शिष्य कहे तृप्ति के साथ कि गुरु मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन शिष्य ही तृप्ति नहीं हुआ। आज हमारे घर में मैं कहूँगी तुम एक सवाल मंत्र जप करो, तुम्हें 40 दिन बैठना है तो आप क्या कहोगे, गुरु जी घर में बाढ़ बीमार पड़ा हुआ है तो पलंग से नहीं उठता, बेटी शादी तो है उसकी शादी नहीं हो रही है, घर में पैसा नहीं है खाने के लिए कम, मैं कब साधना करूँ। तब गुरु का कर्तव्य क्या लगता है, गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को सामर्थ्यवान बनाए, उसकी सारी समस्याओं को, उसकी बेटी की शादी करे, उसके घर का बीमार आदमी निकाल दे, उसको ऐसा सामर्थ्य को रोक कर उसको रोकना वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको मैं कहूंगी कि बैठ के सवाल रोकना कहां से होगा उसको। और जब तक हम ऐसे गुरु को ढूंढ नहीं निकालते, ऐसे गुरु से गुरु को प्राप्त नहीं करते, हम उसी दलदल में फंसे हुए हैं जो संसार का दलदल है, सभी लोग फंसे। आज मैं भी प्रश्न हूँ, मेरे को भी पत्नी है, मेरे को बेटा बेटी है, दामाद है, बहू है, मेरे को भी नाती पोती है, मैं भी आज जीता हूँ, मेरे गुरु की कृपा से साधना मार्ग से मेरे बेटे भी साधना है, बहू भी साधना है, बेटी दामाद भी साधना है, पुत्र पुत्र भी साधना है, हम साधना के मार्ग से आगे बढ़े, उस गुरु कृपा से वो गुरु कृपा तुम्हें भी प्राप्त हो। ऐसी साधना है आप भी करें, आप अकेले नहीं जिए, आपके साथ 10 लोगों को जीने की क्षमता आप में रखिए, वो सामर्थ्य आप में हो और वे केवल और केवल मुझे पता है साधना के मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। हम साधना के मार्ग से ही आगे चल सकते हैं, साधना के मार्ग में ही हम इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज हमारे कटक में आए, मुझे पता है कि षड्यंत्र तो हर जगह रचे जाते हैं, लेकिन राजनीति में षड्यंत्र अच्छे रहते हैं, आध्यात्मिक षड्यंत्र अच्छे नहीं रहते। यहाँ ऐसा कहा जाए कि वो हैदराबाद से गुरु आया है, तुम उसके पास मत जाओ, वो ज्ञान नहीं देगा, उसके पास जाना नहीं चाहिए, उसको दीक्षा नहीं, भाई तुम करो। मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं साधना करने वाले मेरे पास 10 शिष्य बस है, हजारों शिष्यों को लेकर मैं चलने वाला नहीं हूँ,
मुझे पता है रामकृष्ण परमहंस का एक विवेकानंद विवेकानंद नाम का शिष्य, उनका प्रचार होता प्रसार संसार भर में कर सका, एक साथ एक सिद्ध शिष्य है, वैसे 10 सिद्ध शिष्य हुए सारे संसार को बस है, हजारों की पेड़ में नीचे जो साधना ना कर सके, साधना करने वाले 10 शिष्य बस है, क्योंकि साधना में तपस्या अपने आप को ताप देकर जलाना पड़ता है, तब तक वो सोना बनता है, तब तक देना पड़ता है, जितना भी सोने का गड्ढा हो उसके उसको कोई नहीं भरेगा, सोने को जब ताप दें उसको सोने को अग्नि में जलाए उसका गहना बनाए तब कहीं उस भगवान का क्रेड बन सकता है, मूड बन सकता है, उसलिए शिष्य को भी तपाना पड़ता है, गुरु का कर्तव्य, जब तपाए उसको मूड बनाए तो भगवान के सर पर चढ़ेगा, वो साधना है, वो तपना, वो तपस्या है, और हम उस तपस्या को करें, खाली बैठकर बातें करें, आए तुम आओ मैं शक्ति बार दीक्षा देता हूँ तुम चले जाओ, इसको गुरु मंत्र जब क्या भी करने का, माला फेरने की भी शक्ति नहीं है, माला चार मंत्र गुरु माला भी नहीं कर सके, ऐसी क्या बात है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, परंतु जी सुखदेव जी की कृपा से गर्व के साथ कहता हूँ, आज इस 22 साल में जो मेरे साथ जुड़े वो कभी मेरे साथ नहीं, और तो हर साल वो शिविर करते हैं, इसलिए कि मैं उनको कहता हूँ तुम गुरु मंत्र करो, तो मेरे पास आओ, मत मत तुम्हें गुरु मंत्र चार माला करना ही है, मेरे से गुरु नहीं छुटे या शिष्य नहीं छुटे, आज यहाँ की वो कहीं की हालत क्या हो रही है, एक जमाने में जहाँ 50,000 लाख लोग शिष्य बनकर आते थे, आज 5,000 भी 1,000 भी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों छूटे, क्यों छूटे, इसलिए छूटे कि वहां आने पर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, उनको उसके प्रति उनको द्वेष निर्माण हो रहा है, मैं यहाँ के आयोजकों को या किसी को भी एक बार कहता हूँ, आप सारे कार्य करो लेकिन गुरु को बदनाम मत करो, अगर आप आयोजित हैं 1,000 लोगों को 2,000 लोगों को लाते हो, वो आए उनको दीक्षा दिलाते हो, गुरु करते हो, और वो समस्या के समाधान के लिए गुरु के पास जाता है, उसके पास से पैसे लेते हो नहीं लेते हो जो भी है उसको दीक्षा दिलाते हो, एक बार दो बार तीन बार, और उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो वो अगर गरीब आदमी है तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैंने तुम्हारे गुरु के पास से इतनी दीक्षा ली है, मेरा कोई कार्य नहीं हुआ, तो वहां तुम स्वयं तो तुम जवाब दे लोगे, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है, गुरु हो रहा है, कि तुम्हारा गुरु कार्य तुम्हारे गुरु के पास इतने पैसे बच गए हमारा नाम नहीं हुआ, और तुम गुरु का प्रचार नहीं कर रहे हो, गुरु को बदनाम कर रहे हो, ऐसा कार्य मत करो, ऐसा कार्य करो जिससे गुरु का नाम कहे कि हम परम जी सतगुरुदेव स्वामी विश्वेश्वर जी के पास गए, उनकी साधना उनकी संपन्न उनकी तपस्या की उनकी दीक्षा की और आज हमारे सारे कार्य हो रहे हैं, हम सामर्थ्यमान हैं, हम अच्छे हैं, हमारे सारी इच्छाएं पूर्ण हैं, ऐसा कहने वाले आप बताओ कितने लोग, अगर ये हो रहा है तो हम आप ही नहीं आयोजक भी नहीं आप भी नहीं, जिसका कार्य नहीं हुआ जो नहीं किया है वो अंदर बाहर से नहीं कह सके, डर के कारण बाहर से नहीं कह सके, क्योंकि अंदर तो इस बात से बोलते हैं कि हमारा कार्य नहीं हुआ, गुड़ी आपके पास आने की बात नहीं, क्या वो बदवाई नहीं रखती, क्या वो अपना तकलीफ नहीं है, वो कष्ट नहीं है, किसके मन से किसके दिल से आह भी निकल गई तो क्या वो हमें काम करेगी, गुरु के साथ डर के डर कर नहीं मत जुड़ो, गुरु के साथ प्रेम के साथ जुड़ो, गुरु को श्रद्धा के साथ जुड़ो, गुरु के भावनाओं के साथ जुड़ो, गुरु के साथ अगर डर कर जीते हो कि मैं अगर गुरु को नहीं मानूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा बुरा हो जाएगा, ऐसा ऐसा बुरा करने वाला है तो गुरु ही नहीं कहलाता, मैंने भी गुरु जी के पास गया, पहली बार गुरु जी के पास गया, डर तो हर एक आदमी को लगता लगा रहता है, मैं गुरु जी के पास गया और लगा कि अपने जीवन में झूठे बात करना, झूठी की नौकरी में है तो झूठे झूठे कार्य करते हैं, झूठे बात करते हैं, गुरु जी के साथ में गया तो गुरु जी तो भविष्य को जानने वाले महान आदमी, और मैं गुरु जी के पास इस बात से डर के गया कि इनको सब सारा मेरा भविष्य पता चल जाएगा अब आगे कैसा होगा, इस डर के साथ गुरु जी के पास गया, जाते जाते गुरु जी नमस्कार दिल में करके गया कि मेरी जीवन का जो कुछ भी है वो मंदिर को गुरु जी मिले दीक्षा दे, लेकिन गुरु जी उस बात को ताड़ गए, उस बात को जान गए, और गुरु जी ने क्या कहा था और बड़े गुरुदेव ने जोशी इस संसार में अगर शिष्य की गलतियां निकाल कर बतलाने वाला है तो गुरु नहीं कहलाता, उस गलतियों को उस पापों को हरण करने वाला ही गुरु कहलाता है, जैसे तुम घर में बैठे हो तो तुम अपने आप को कमरे में बंद कर दो तो सूर्य रोशनी नहीं देगा, तुम बाहर आओ तो तुम पापी भी रहो, तुम कुष्ठ व्याधि वाले भी रहो, तुम जितने भी पाप किए हो सूर्य में उजाला देगा ही देगा, वैसे ही गुरु चरण में सर झुका दो तो तुम्हारे पापों का निवारण कर देगा, तुम्हें केवल और केवल गुरु चरणों में पहुंचना है, अगर गुरु उस समय आकर कहता है कि तुमने पाप किया है वो किया तेरा वो है तो गुरु नहीं कहता, उसे तो तुम्हारे चरणों में मैं पाप किया हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं खराब हूं, इसलिए आपके चरणों में आया कि मुझे अच्छा बना, अगर उसने उस समय
और जीतता है तो जोशी को गुरु ने खेला। आज मुझे वचन याद और मैं भी आपको कहता हूँ, जो गुरु के चरण में अपना सर रख दिया, गुरु का कर्तव्य होता है उसको सुखी और संतोष उसके मुख पर मुस्कान देखे, उसके मुख पर सुख देखे, शांति देखे। एक बार नहीं हो सका, दूसरी बार तीसरी बार तो निश्चित रूप से तुम्हारा कार्य होना ही चाहिए। जब ये कार्य हम कर सकते हैं तो हम सच्चे शिष्य कह रहे हैं या सच्चे गुरु कह रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम या तो शिष्यों को दूर कर रहे हैं गुरु से, या गुरु को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कार्य मत करो। मैं साधना के मार्ग पर आपको बता रहा हूँ कि हमारा हर कार्य संपूर्ण साधना के मार्ग से हो। बीज लगाए हो तो पहली बार अगर पत्थर पर लगाए तो बीज वृक्ष बनकर नहीं आता, लेकिन आपको पता तो चल जाता है कि मैंने पत्थर पर बीज रखा था इसलिए रुक के नहीं आया, तो दूसरी बार माटी में बीज गड़ा दो। गुरु जी कहा करते थे कि पहले आपका अहम निकालो। आप में अहंकार जो है कि मैं तहसील दार हूँ या मैं सरपंच हूँ, मैं MLA हूँ, मैं फलाना, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, इस अहम को आप जब तक छोड़ते नहीं तब तक गुरु के पास तुम कुछ भी प्राप्त नहीं हो। तुम गुरु जी के पास आओ तो नंगे नंगे प्राप्त होता है, तुम सब कुछ छोड़ देकर आओ, गुरु के चरण में इस तरह आओ कि खाली थैली लेकर आओ। तुम्हारे थैली में पाप भरे हुए हो, तुम्हारे मन में शंकाएं भरी हुई हो, तुम्हारे घर में गलत, तुम्हारे मन में सब गलत भरा हुआ हो और तुम गुरु के सामने जाते हो तो गुरु जी तुम्हें कुछ डालेंगे तो तुम्हें नहीं वो नीचे गिर जाएगा। तुम जब खाली होकर जाओगे तो गुरु जी उसमें कुछ भर सकेगा, अपना ज्ञान अपना सब कुछ भर सकेगा। और तुम ऐसे खाली होकर जाओ कि मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके उस ज्ञान और उस ऐश्वर्य से संपदा से मुझे भर दो। ये बात आप जब तक नहीं कहते तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप खाली बनकर गुरु के चरणों में जाने की क्रिया करो, आप हम भाव को छोड़ देकर जाने की क्रिया करो। अब जब भी करोगे आप स्वयं पाओगे कि गुरु आपको क्या देना चाहता है, आपको गुरु से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम इसको प्राप्त करने के लिए जब तक गुरु के सामने होते तो आगे नहीं जाते, हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। और मैं आज इस समय कंटक में वास्तुशास्त्र का प्रयोग इसलिए आपके पास लाया हूँ कि भगवान शंकराचार्य जी ने भी यही साधना संपन्न की थी। यहाँ हुआ ये था कि गौड़पाद गोंदाचार्य जी अपने ओंकारेश्वर के पास एक गुफा में वो भी ऊपर की तरफ एक झूला डालकर उसमें बैठा देते थे। शंकराचार्य जी को मालूम हुआ, जो कि 16 साल का लड़का था, घूमते घूमते उस समय तो रेलगाड़ियाँ में इतनी चलते चलते आए और गौड़पाद गोंदाचार्य के गुफा के सामने खड़े रहे और उनको कहा था मैं गुरु से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वहाँ के जो शिष्य थे वो सारे लोग भी उनके कहा कहने लगे, क्या तुम गोविंदाचार्य से दीक्षा लेना क्या मामूली बात, यूं ही दीक्षा प्राप्त होगी क्या समझ रहा है, चल दीक्षा विक्षा कुछ नहीं लेते, वो शिष्य की परीक्षा ले लेते, दीक्षा नहीं देते। और शंकराचार्य खड़े रहे, उन्होंने कहा मुझे शिक्षा क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा जब तक तेरे में पुरुष तत्व है, अहंकार है कि मैं वहां से आया, मुझे वेद आता है, मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, ये अहंकार तेरे में जब तक नहीं जाता तो मुझे बुलाएगी नहीं। पशु तत्व में ही अहंकार रहता है, पशु को तुम एक बार छड़ी से मारे उसके सामने जाओ तो सिंह से मारने आएगा, उसमें कोई नम्रता नहीं रहेगी, वो कोई तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, वो तो अहंकार के साथ आएगा तुम्हें मार देगी। ये पशु तत्व है और इस पशु तत्व का जब तक हमारे से निकलना नहीं जाता तब तक कोई गुरु अपने अपने शिष्य को अपना पुत्र अपनाता नहीं, उसको अपनाने के लिए उस पशु तत्व को जाना जरूरी है। और शंकराचार्य जब गए तो 3 दिन उन्होंने वहां खड़े रहे और एक शिष्य ने कहा तुम्हारे को अगर गुरु की दीक्षा चाहिए तो तुम पाशुपतास्त्र का प्रयोग करो, तुम्हारे से पशु तत्व को हटा दो। और पाशुपतास्त्र मंत्र का जब किया और 3 दिन उनके गुरु ने उनको बुलाया और उनको दीक्षा दी। मैं भी आपको कहता हूँ आपसे पशु तत्व को जाना चाहिए। और पाश बंधे हुए, पाश का अर्थ होता है हम यम पाश से बंधे हुए, हमारे पास ऐसे लव मोह बच्चों के प्रति प्रेम द्वेष आदि सारी चीजें हमारे पाश बंधे हुए जिसके कारण हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उस मृत्यु को प्राप्त करने वाले या रोग हमारे में बंधे हुए रोग के कारण कुछ नहीं कर सकते, इन रोगों को अगर निकाल सकते इस पाशों से तुम छूटना चाहते हो तो तुम जरूर तुम्हारे जीवन में पाशुदास प्रयोग करो। यही प्रयोग जब श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि तुझे आगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाना है अर्जुन, और कुरुक्षेत्र युद्ध में जाने से पहले तुझे ऐसे लोगों का सामना करना है जो द्रोण जिनके हाथ में जब तक बाण है उनको कोई मार नहीं सकता, जो कर्ण रथ पर खड़ा सकता है उसको कोई नहीं मार सकता, भीष्म इच्छा मृत्यु वाला है उसको कोई नहीं मार सकता, ऐसे लोगों से तुझे युद्ध करना है। हे कृष्ण, तो हे अर्जुन तू ऐसा कर कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का पाशुपतास्त्र को स्थापना कर ले कि तेरे ऊपर घाव भी लगे मार भी लगे तो उसका दुख तेरे को ना हो। पाशुपतास्त्र को पशु तत्व को जाने की क्रिया है, उस पाश से हटने की क्रिया है, मैं तुझे वो समझा रहा हूँ, तू उस प्रयोग को उस साधना को कर। और कृष्ण पाशुपतास्त्र की साधना करने लगे, तब उसको अड़चन निर्माण करने के लिए कृष्ण अर्जुन तो बीमार हो ही गए लेकिन उसके साथ साथ उर्वशी आई और उनके साधना को भंग करने के लिए उनके सामने नाचने लगी।
जब कृष्ण ने कृष्ण गुरु थे या कृष्ण के चाहते थे तो अर्जुन को कहा कि इस वृक्ष के फल जाकर भाषुतास्त्र प्रयोग से तुझे वो आगे नहीं जाएंगे। उर्वशी जब नाचने लगी और कहा कि आजा अर्जुन, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अप्सरा हूँ, देवता मेरे लिए तड़पते हैं, अर्जुन तू मेरे साथ आजा। अर्जुन उठा और उर्वशी की चरणों में नमस्कार करते हुए कहा कि उर्वशी तुम मेरे लिए मांगा। उसने कहा मैं देव वेश्या हूँ, मेरे में माता पिता बंधु पुत्र कोई नहीं होता, मैं देवताओं की वेश्या हूँ, तू मेरे साथ आ जा। उसने कहा तुम कुछ भी हो, इंद्र मेरे पिता है और तुम इंद्र की सभा में इंद्र तुम्हारे साथ में से तुम मेरे लिए माता तुल्य हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो, मेरी तपस्या को भंग मत करो तो तुम्हारे जीवन में भी अड़चने आए। तब ऋषि ने इतना कहते हुए अर्जुन को साथ ले लिया था कि तू मेरी इच्छा पूर्ण नहीं किया है इसलिए तुम नपुंसक हो जाओ। लेकिन उस नपुंसक धर्म को जब इंद्र आए, भगवान ब्रह्मा कृष्ण आया, कहा ऋषि तुम क्या श्राप दे रहे हो, उसके हाँ मैं तो श्राप दे दिया। तब कृष्ण कहते हैं कि यह श्राप एक वर्ष के लिए चलेगा और अज्ञातवास में कृष्ण अर्जुन नपुंसक होकर ब्रह्म नला कर लिए थे, ये श्राप उनको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो तुम्हारे जीवन में अड़चने आएंगे साधना के क्रम में, तुम्हें करने की नहीं करने की अड़चने निर्माण करेंगे, लेकिन तुम साधना को पूर्ण करना, साधना को जब तुम पूर्ण नहीं करते या किसी साधना को अपूर्ण छोड़ते हो तो तुम्हें वही साधना का देखकर श्राप देता है। क्योंकि हम चाहते हैं एक दिन सब लोग यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और एक दस लोग तारा साधना कर रहे हैं, तो क्या दस ताराएं हैं या एक तारा है? दस ताराएं नहीं है, तो तारा तुम्हारे मंत्र से ही सृष्टि होती है तारा का, और तारा का मंत्र करते करते जो बीच में छोड़ देता है या उसके अंग बनते बनते अगर वो पांव तक ही सुड़ गए साधना छोड़ दी तो उस तारा को श्राप देकर कितने अर्थ में छोड़ जाए, मेरा आनंद बना दिया है इसलिए तारा तुम्हें सिद्ध नहीं होगी। किसी भी साधना को कितनी भी अड़चने आए आप अधिक में छोड़ना, साधना को पूर्ण करना, आप नहीं तो उस देवता से ही शांतिष्ट हो जाए। और जिस दिन साधना संपूर्ण करेंगे उस देवता को आज नहीं तो कल निकल गए तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारा फल देना ही पड़ेगा जो साधना को कभी बीच में ना छोड़ा। आज कृष्ण की प्रणाली स्वयं कृष्ण ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए पार्षदास की साधना की, यमपाश छुटने के लिए अर्जुन ने भी की, स्वयं ब्रह्मा जी ने भी साधना की, स्वयं विष्णु ने भी साधना की सूर्य चक्र में। तो इस पार्षदास की साधना को इस समर्पण चक्र में जहाँ नर्मदा कहते हैं कि विष के लेने के बाद जो उनके घर में उनके शरीर में जो गर्मी हुई, जो हरान उसको विष्णु जी ने कंठ में धारण किया था, उससे जो गर्मी उनके शरीर में धारण हुई थी उस गर्मी से जो पसीना छूटा वही पसीना नर्मदा नर्म का अहंकार उससे छूटा, उसे उसने नर्मदा कहा गया और नर्मदा के रूप में बहने लगे और उस नर्मदा को अपने पुत्री के रूप में कहते हुए आशीर्वाद दिया कि ये समय अपने शिवजी का पसीना होने के कारण शिवजी के देह से आने के कारण उस रेखा का श्रेष्ठ फैलाई। और यहाँ इस कलयुग में शंकराचार्य जैसे महान आचार्य ने यहाँ पार्षदास का प्रयोग किया, मैंने भी अमर कंटक में जो साधक है केवल कहते हैं कि आप अगर साधना भी ना कर सके पार्षदास का प्रयोग का यंत्र भी आपके घर में स्थापना हो और उसको भस्म लगाया जाए तो उसके सारे पार्श यानी दुख दर्द रोग बीमारी दरिद्रता ऋण ये सारे पार्श ऋण का पार्श है पितरों का पार्श है प्रेतों का पार्श है भूत का पार्श है, भूत पकड़ते हैं पितरों पकड़ते हैं तो उसके ऋणी हो, प्रेत जो पकड़ते हैं उसके ऋणी हो, तुम किसी के पास पैसे लिए और वो मर गया उसके पैसे नहीं ले सके तो प्रेत जो पकड़ में खाता, भूत अपने माता पिता को आपने कुछ सेवा नहीं की और माता पिता चले गए तो वो भी तुम्हारे मित्र उनके साथ कारण बनते हैं, किसी बहन का कुछ खा लेते हैं कुछ पैसा लेते हैं कुछ जमीन ले लेते हैं तो उसका भी बहन का रूप बनता है, पत्नी को सताना भी रूप का है। इस इन गुणों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है सारे पार्षद से छुटकाने वाले पार्षदास्त्र, जो पार्षदास्त्र प्रयोग करता है साधना ना भी कर सको या आप अपने घर में यज्ञ की स्थापना करो केवल उसको भस्म लगाकर आप भस्म धारण करो तो आपके इन सारे पापों से आप छुटकारा प्राप्त करते हैं और आप उस दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं जो आज। और ये अमरकंटक में ही उस पार्षदास्त्र प्रयोग को भगवान श्री कृष्ण को शिवजी ने समझाया था, शंकराचार्य जी को शिवजी ने दिया था और यही अर्जुन ने भी इसी पार्षदास्त्र युद्ध को जाना था। हमारे पार्षों को छूटने के लिए पाठ का यम पाठ कहा गया है, यम पाठ किस प्रकार करता है या तो रोगों से यहाँ तो शत्रु की बाधा से, हमारे ये सारे पाठ होते हुए और इन पाठों से छूटने के लिए पार्षदास्त्र कहा गया है। और इस पार्षदास्त्र को और पोषण तत्व को हमारे पोषण तत्व है, हमारे पोषण तत्व ऐसा है कि हम दो के कारण गलतियां करने पड़ते हैं, भगवान को भी एक बार छोड़ के चले जाएंगे और हमारे को कार्य हुआ तो हे प्रभु आज मेरे को नौकरी में बॉस ने बुलाया आज भूजा खत्म मैं रात में आगे आप महत्ता किसको दे रहे हैं बास को दे रहे हैं नौकरी को दे रहे हैं भगवान को नहीं।
तो क्या छोड़ा? तुम जिस भगवान से नौकरी प्राप्त किए हो उस भगवान को महत्व नहीं दे रहे, तुम दे रहे हो उस नौकरी। और यह है तुम्हारे पास कुछ पशु तत्व की जागृति हुई, उस पशु तत्व की जागृति करने वाली क्रिया हुई, और यह क्रिया होने के कारण तुम्हें उस स्थिति को प्राप्त कर सकते। हम उस पशुदास के प्रयोग से हम जिस चीज को चाहते हैं उसे प्राप्त करें और अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक बार निश्चित रूप से देखो कि पशुदास यंत्र को आप घर में रखो और उसके ऊपर भस्म लगा दें। एक वर्ष तक आपको कुछ भी नहीं हो सका तो नमो पशुदास आए फट इस मंत्र का भी छोड़े, उतना बड़ा मंत्र ना कर सको तो इतना भी करके आप अगर मंत्र को लगाते हो और पशुदास तुम्हारे घर में हो तो तुम्हारे उससे पशु तत्व जाएगा। पशु तत्व क्या कहता है? पशु हर पशु भी हर पशु का मालिक होता है, पशु स्वयं मालिक कभी नहीं होता है क्या? और जब तक तुम्हारे में पशु तत्व निवारण है तुम्हारे कोई मालिक ही तुम्हारे अपने पास में लेकर बंदा होता है। हर पशु का एक मालिक होता ही है। आज हम पशु ना बने, पशु बने तो हमारे पर अधिकार चलाने वाला था। तुम जब इस पशु तत्व से छूटेंगे नहीं, पशु तत्व से बाहर आएंगे नहीं, तब तक तुम्हारे को तुम्हारा मालिक सता के नजर आएगा। और इस पाठ से इस बंधन से छूटने के लिए इस पार्श्वदास का प्रयोग करना अपने जीवन में अनिवार्य कार्य है। और इस अमरकंड में जैसे नर्मदा के उद्गम स्थान पर इस पार्श्वदास के यंत्र को अपने पास लेकर आज साधना संपन्न करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने के साथ साथ जिस कारण आपके घर में दरिद्रता है, कर्ज हो गया है, या आपके घर में भूत प्रेत बाधाएं हैं, या आपके घर में तंत्र बाधाएं हैं और आप रोग से पीड़ित हैं, तो ये सारी तुम्हारे लिए किए हुए पशु तत्व के लिए हुए तुम्हारे कारण ही किसी तरह को हो रहा है। और उस पार्श्वशास्त्र यंत्र को अपने घर में रखकर जो साधना करता है बहुत अच्छा है, नहीं तो यंत्र भी रखता है और उसको भस्म लगा के उस भस्म का धारण करता है, वो अपने किस ऋणों से छूट जाता है। और जो ऋणों से कर्जे से छूटा वो इस संसार में सबसे महान कहलाया गया, पितरों से छूटा या अपने दूसरे ऋणों से छूटा हो, किसी प्रकार बाधा आई हो, जब तक इस ऋण से छूटेंगे नहीं तब तक आप सारी बाधाओं को अपना के लिए सारी बाधाएं आपके कमाने में, आपके नौकरी में, आपके पैसे में, आपके व्यापार में, आपके सुख में ये बाधाएं आपसे निर्माण करती ही रही। जिसके पास इस पशु तत्व से छूटने की शक्ति आई वह सारे बाधाओं से छूट जाएगा और अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता मिलेगी। मैं आप सभी को आज के दिन इस नर्मदा के तट पर इस पार्श्वदास प्रयोग को अभ्यास साथ करवाऊंगा। मैं मेरे में एक है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं यंत्र लेते हैं और घर में ले जाकर छोड़ देते हैं, साधना नहीं करते। मैं जहां भी मेरे साधकों को साधना यंत्र देता हूं तो साधना यही करना, क्यों एक बार करता हूं मेरे सामने ही करवाता हूं और उसका एक उसका हवन करवाता हूं, उसको यहां से सिद्धि लेकर भेज देता हूं, उसको घर को जाने के बाद नहीं करता क्योंकि मैं बहुत बार मैंने देखा उसको घर को जाने घर के जाने के बाद मेरे को गारंटी नहीं कि वो साधना करेगा क्योंकि वो तो अपने बच्चों में अपने नौकरी में अपने बहन बंधों में सब में बिता हुआ है। मैं साधना मेरे सामने करवाकर ही उसको सिद्धि देकर भेजता हूँ ताकि उस क्षेत्र को उसको काम कर सके, वो घर में रहकर ये कह सके कि अगले साल जब अगले बार में मुझे मिले क्योंकि आपका इतना मुझे फायदा हुआ है ये बात कहे तभी मैं यहाँ बैठकर आपको गुरु ज्ञान दे रहा हूँ। मैं आपका गुरु भाई हूँ, गुरु नहीं हूँ, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको 15 मिनट का समय देता हूँ, आप पार्श्वदास्त्र प्रयोग का यंत्र सामग्री लेकर आए, मैं साधना यही संपन्न करवाता हूँ और आपको तब तक एक भजन सुनाए, इसके बाद पार्श्वदास्त्र प्रयोग होने के बाद यही हवन करवाऊंगा जिनको मैंने कल कहा है कि आपको नारियल की आहुति दिलवाऊंगा, उनके सारे रोग कष्ट देता हूँ। जो भी आपके अंदर की समस्याएं हैं आज यही आप छोड़कर जाएं, आप उनका कष्टों का निवारण होना ही चाहिए, उनका कष्टों का निवारण होना ही चाहिए, ये मेरा कथन है। मैं आशीर्वाद देता हूँ आप उस क्षेत्र को लेकर सामने संपन्न किए। वो लोग अपने बाएं हाथ में यंत्र और माला लेकर हवन कुंड के पास आओ, मैं चित्र बोलता हूँ आहुति डालिए। लोग हर एक आदमी 5-5 आहुति डालना चाहिए। आपकी समस्या में जिनको मैंने नारियल लाने के लिए कहा था वो लोग नारियल को लेकर मैं आ जाए आहुति दिलवा दूंगा, उसके बाद दीक्षा दूंगा। जिन्होंने साधना संपन्न की